आज हम लोग क्लास 11 का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट में ETP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ETP। और पूरा नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसको क्या बोलते हैं? उद्यमिता। होता क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे इसका। एंटरप्रेन्योरशिप होगा। होता क्या है? उद्यमिता का मतलब क्या होता है? उद्यमी सुने कभी नाम? चलिए सबसे पहले एक बात तो हम सारे बच्चों को बता दें, जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दें कि ETP का पूरे क्लासेस और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के क्लासेस कॉमर्स वर्ड हजारीबाग में ऑनलाइन मोड में भी होता है। आप लाइव क्लास का मज़ा ले सकते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं क्लास 11 के लिए, कॉमर्स वर्ड हजारीबाग के साथ जुड़िए। उसके लिए क्या करना होगा? प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा तो मेरी से बात हो जाएगी। फिर आप कोर्स खरीद के और इसके सारे क्लासेस, चाहे ETP हो, चाहे अकाउंटेंसी, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आप आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको सुविधाएं मिलेगी, लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड वीडियो का, PDF नोट्स मिलेगा, MCQ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा और बुक PDF अलग से आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज हम लोग देखिए, आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग आराम से सुनिए, देखिए कितना मज़ा आएगा एंटरप्रेन्योरशिप और कौन सी दुनिया में आप इंटर करने जा रहे हैं ये भी आपको समझना होगा कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो चलिए पहले हम लोग ये जाने कि एंटरप्रेन्योर्स का नाम सुने, उद्यमी का नाम सुने कभी? क्या आप लोग बिजनेसमैन का नाम सुने? किसका नाम सुने? और अगर बेसिकली देखा जाए तो बिजनेसमैन और उद्यमी यानी व्यवसायी और उद्यमी एक ही व्यक्ति होता है। देखा जाए तो उद्यमी और व्यवसायी हम लोगों के हिसाब से एक ही व्यक्ति होता है जो धंधा करता है, लेकिन धंधा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। दोनों धंधा करता है, दोनों किसके लिए काम करता है? लाभ के लिए, पैसे नहीं, लाभ के लिए। दोनों का पर्पस है प्रॉफिट कमाना और कुछ नहीं। बिजनेसमैन होगा वो भी प्रॉफिट के लिए काम करता है और एक एंटरप्रेन्योर्स होता है वो भी प्रॉफिट के लिए काम करता है। यानी चाहे आप एंटरप्रेन्योर्स हो, उद्यमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, आपका पर्पस एक ही है कि हमको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए दोनों काम करता है, लाभ कमाने के लिए दोनों काम करता है। बट अंतर क्या है? तो वर्ड अलग अलग क्यों यूज हुआ? अगर दोनों प्रॉफिट के लिए काम करता है तो वर्ड होना चाहिए बिजनेस, जिसको बिजनेसमैन बोलना चाहिए, जिसको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हो। तो याद रखिएगा, जो उद्यमी होता है इसको हम लोग बोलते हैं उद्यमी, और बिजनेसमैन में बेसिक डिफरेंस ये है कि बिजनेसमैन पुराने सोच का होता है। बिजनेसमैन क्या होता है? पुराने सोच का होता है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, जो उद्यमी होता है, ये भी धंधा ही करता है लेकिन ये नए सोच का होता है। दोनों में डिफरेंस ये है, बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहता ज़्यादा, लेकिन उद्यमी जो है वो हाई रिस्क ले लेता है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिजनेसमैन उद्यमी में। याद रखिएगा, दो चीज़ है, एक है बिजनेसमैन, क्या व्यवसायी जिसको बोलते हैं। दो वर्ड को समझिएगा, ये व्यवसायी, व्यवसायी कौन है? जो व्यवसाय करता है। और दूसरा को क्या बोलते हैं? उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर्स होता है। एंटरप्रेन्योर्स का नाम सुनेंगे, उद्यमी होता है। दोनों में अंतर है, ये पुराने ख्याल का है, पुराने सोच का है, और ये नए सोच का, अंतर यही है। अब सोच का अंतर है, उसका बिजनेस करने का पैटर्न अलग हो जाता है। अब एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। क्या हम और आप जो लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो देखिएगा कि कोई फैमिली ऐसा है जिसका 50 साल से राशन दुकान चल रहा है, 50 साल से राशन दुकान चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है उसको। यही है कि दो चार घर दुतला ढाल दिया होगा, एक गाड़ी खरीद दिया होगा, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा। लेकिन वो राशन दुकानदार जो 50 साल से धंधा कर रहा है, वो कभी ये सोचा कि यार आटा हम जो खरीद खरीद के बेच रहे हैं, क्यों ना हम गांव के किसानों से गेहूं खरीद ले और गेहूं को पिसवा के हम भी आटा पैक करेंगे अपने नाम से और बेचेंगे? क्या ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए था?
दूसरे से खरीद के बेच रहे हैं तो मार्जिन कम आ रहा है, खुद अगर उसको हम बना के बेचेंगे तो मार्जिन ज़्यादा आएगा। लेकिन किसी दुकानदार को देखे हो ऐसा करते हो? नहीं करता है। वो क्या करता है, बस जिंदगी 50 साल से धंधा करा लेकिन दूसरे से खरीद रहा है, कभी अपने बनाने का प्रयास नहीं किया। जबकि जानता है आटा मेरे यहाँ जो बहुत बिकता है, हल्दी हमारे यहाँ बिकता है, कभी हल्दी को पिसवाने का प्रयास नहीं किया कि हम हल्दी को खरीदेंगे पिसवाएंगे या हम अपने खेत में हल्दी लगाएंगे पिसवाएंगे और अपने दुकान में बेचेंगे, कभी ऐसा सोच नहीं रखा। तो ये बताइए, ये पुराने ज़माने के लोग हैं कि नहीं? बना बनाया चीज़ है उसी को चलाते जाना है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैन। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर्स वो था हल्दीराम का भुजिया, छोटा सा गुमटी था, भुजिया बनाता था, लोग बहुत तारीफ़ करते थे, बड़ा मज़ा आता है तुम्हारा भुजिया खाने में जी, लोग आते थे खाने के लिए, तारीफ़ करते थे, दिमाग लगाया यार जब इन लोगों को मज़ा आ रहा है तो पूरे देश को कितना मज़ा आएगा। बनाना शुरू किया, पैक करके बेचना शुरू कर दिया। आज देखो हल्दीराम का भुजिया के बगैर कोई पार्टी अधूरा है, घर में उसका भुजिया नहीं खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। आज एक ब्रांड बना कि नहीं बना? ये क्या था, वो बिजनेस मैन था कि एंटरप्रेन्योर था? सोच अलग था, एक सोचा छोटे लेवल पर, अभी भी छोटा गुमटी उसका समझो रह जाता, अगर वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनता तो छोटा गुमटी में ही शिफ्ट हो जाता। चाय का दुकान, हम लोग ये समझते हैं जैसे चाय का दुकान आता है समझ जाते हैं कि छोटा धंधा होगा कहीं ठेला वाला। चाय का दुकान का मतलब क्या होता है? ठेला, गंदगी फैला हुआ है, चारों तरफ पानी बिखरा पड़ा है, कचरा, चाय दुकान ही होता है जी, ऐसा ही कहीं होगा किनारे में ठेला लगा, बस वैसे ही गंदे बर्तन में चाय बन रहा है, यही हम लोग सोचते हैं चाय दुकान का मतलब। याद रखिएगा वो कौन है? बिजनेसमैन है। वो ध्यान नहीं देता वो सब, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाइजीन, ये सब कुछ ध्यान नहीं देता, कस्टमर खुश है कि नहीं खुश है, बैठने की जगह है या नहीं है, कौन कस्टमर कैसा चाह रहा है, कुछ ध्यान नहीं देता, खाली बोलता है ले लीजिए चाय पिला देंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होता है हर चीज़ को ध्यान रखता है। और आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि नहीं, MBA चाय वाला बना दिया, अब चाय पीना AC में बैठ के पियो, पैसा देने के लिए लोग तैयार है लोग। अच्छा क्या AC में बैठ के सारे लोग चाय पियेंगे? और क्या MBA वाला चाय वाला ये बात समझता है कि सारे लोग मेरे यहाँ चाय पियेंगे? नहीं, वो भी जानता है कि हमारे यहाँ वही लोग आएंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो पे कर सकता है, बाकी लोग हमारे यहाँ नहीं, वो ठेला पर ही पिएगा। लेकिन जो ठेला पर सब लोग पी रहा था तो उसमें बहुत कस्टमर ऐसे थे जो ठेला पर पीने में अपने आप को कम्फर्ट नहीं समझता था, अपने आप को अच्छा नहीं समझता था, उसको लगता था बुरा। बताओ जी, मंत्री साहब हैं आ रहे हैं उधर से चाय पीना, उनको मन है चाय पीने का, तो क्या करते थे? बस स्टैंड में गाड़ी रुकेगी, चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे? बेचारे उतर के नहीं जाते थे तो मंगवाते थे चाय। लेकिन भैया चाय तो उसी का ना है, आज उसी मंत्री को या उसी ऑफिसर को या बड़े बड़े व्यक्तियों को, जो बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेस है, खड़ा होकर चाय के दुकान पर खड़ा है, चाय मिल रहा है, चाय बन रहा है, खराब लगता है ना? आज क्या करेगा वो? कोई मीटिंगें करना है किसी के साथ डिस्कशन करना है चाय पर, तो खड़ा खड़ा कितना देर डिस्कस करेगा चाय दुकान में अभी? लेकिन अब जब खुल गया तो आराम से बैठेगा AC वाले कमरे में, आधा घंटा डिस्कस किया, चाय पिया, मन किया तो दूसरा चाय मंगवा लिया। तो वहाँ अगर किसी क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे तो उसका आनंद ही अलग है, AC में बैठा के डिस्कस करे मज़ा ही अलग है। तो बताइए वो जाएगा लेके कि नहीं जाएगा? अब मैं हमको किसी के साथ बिजनेस डिस्कस करना है तो कहाँ लेके जाएंगे? रोड पर खड़ा करके नहीं ना डिस्कस करेंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे? चाय दुकान में, बढ़िया चाय दुकान में। तो यही आपको समझना है कि बिजनेस करने का पैटर्न अलग है और एंटरप्रेन्योर जो है खुराफाती दिमाग का होता है। खुराफाती समझते हो? वो सब सोच देता है जो हम लोग नहीं सोचते, वो एंटरप्रेन्योर्स होता है नया सोच का बिजनेस में। इसके अंदर 3 चीज़ होता है, इनोवेशन क्वालिटी होता है, ये कुछ नया सोचता है, इनोवेशन क्वालिटी इसके पास होता है, ये इनोवेट करता है हर चीज़ को। दिक्कत है, इसके पास कौन सी क्वालिटी होती है? इनोवेशन क्वालिटी होती है। बिजनेसमैन के पास कोई इनोवेशन क्वालिटी नहीं होती। अच्छा हमें और आपको बताइए, हम लोगों को अगर धंधा करना आता था तो हम लोग मोबाइल का रिचार्ज खोलते थे, रिचार्ज के लिए मोबाइल खोलता था ना रिचार्ज दुकान, छोटा गुमटी खाली रिचार्ज करता है बस, या राशन पे सामान भी रखा है और रिचार्ज करता है, कभी सोच नहीं पाया। और उसमें से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसा सोच लिया और वो बिजनेसमैन से कहाँ पहुँच गया? एंटरप्रेन्योर्स में, कि हम ऐसा काम करेंगे कि पूरा देश का लोग रिचार्ज मेरे नंबर से करेगा। आज जो फ़ोन पे काम कर रहा है सर, वो कैसे काम कर रहा है, किस प्रोसेस से काम कर रहा है? हम और आप क्या किए, एक छोटा सा गुमटी खोल के, छोटा सा दुकान खोल के धंधा चलाए, 100-200 रुपये कमाए रोज का। यही कॉन्सेप्ट को एक व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योर से दिमाग देखा होगा कि यार ये रिचार्ज कर रहा है कितना परसेंट मिलता है जी, बोलता है 3% मिलता है।
जो रिचार्ज दुकान होता था ना, उसको 3% मिलता था। मतलब अगर दिन भर में 100 रुपये का रिचार्ज किया तो उसका 3 ही रुपये बनता था और 3 रुपये उसका कमाई होता था। बात समझ में आया? 100 का रिचार्ज में कितना होता था? 3 रुपये कमाई होता। दिमाग लगाया कि एक दुकानदार 100 रुपये का क्या 1000 का रिचार्ज दिन भर में कर सकता है, उससे ज़्यादा कर सकता है। तो 1000 रुपये का करेगा तो उसका 3% कितना होगा? 30 रुपये बनेगा। तो 30 रुपये कमाने के चक्कर में कितना परेशान है। और हम अगर पूरे दुनिया में सबका, पूरे देश में सबका रिचार्ज एक साथ कर दे तो ज़्यादा कमाई होगा कि नहीं? एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लोगों का आदत लगाया। अच्छा, लोग अपने आप डाउनलोड कर लेते क्या? नहीं। तो अब बोला कि हमारा आदमी जाके डाउनलोड कराएगा तो इतना जल्दी सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि आदमी अगर बाहर वाला आदमी आके आपको बोलेगा कि आप अपना अकाउंट नंबर जो है इसे लिंक कर दीजिए, तो शुरुआत में क्या सब आदमी दे देता है अकाउंट नंबर? बोलता ना भैया, पैसा लिख चल जाओगे। तो दिमाग लगाया कि कैशबैक कराओ, उसी के आदमी से उसी के मोबाइल में डाउनलोड करा दो, कैशबैक देना शुरू कर दिया। मान लो एक बच्चा किसी तरह कैशबैक में ले लिया, मज़ा आया, तो लिखता है रेफ़र में करोगे 100 रुपया मिलेगा। उस 100 रुपया के चक्कर में बगल वाले को 6 दिन से समझा रहा है कि ले लो भैया, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखता है कैसे फ़ोन पे करते हैं। वो समझा समझा के चिपका दिया उसको। कितना कमाने के चक्कर में? कंपनी का 100 रुपये में एक बिजनेस आ गया ना। अच्छा, कंपनी नुकसान में थी? हम लोग को जब रेफ़र मिलता था ना 100 रुपये, तो हम लोग तो पागल है, कंपनी पागल है, लुटा रहा है, देखो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो क्या था? एंटरप्रेन्योर था, जानता है कि हमको बिजनेस कैसे करना है। अच्छा, आपको 100 रुपया दिया, एक कस्टमर बना लिया, उसको एक कस्टमर बनाने के पीछे अगर स्टाफ रखता मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग वाला स्टाफ जाता 10 बार दौड़ता, तो मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ता कि कम होता? तो उससे अच्छा 100 रुपये में मिल गया। और सारा देश देखो फ़ोनपे का गुलाम हो गया। अब फ़ोनपे का कमाई क्या है सोचिए। बताए थे आप लोगों को एक बार क्लास में भी, एंटरप्रेन्योर्स मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ यूजर है, 1 करोड़ वैसे उससे ज़्यादा यूजर है, देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़ हैं। तो लेते हैं 140 करोड़ में 10 करोड़ कर देते हैं। अगर 10 करोड़ लोग 140 करोड़ में फ़ोनपे यूज़ करते हैं तो 10 करोड़ लोग 3 महीने के लिए रिचार्ज है। अब जो लोग फ़ोनपे यूज़ करता है वो लोग रिचार्ज के लिए कभी दुकान जाता है? सब फ़ोनपे से रिचार्ज करता है। तो मान लेते हैं कि अगर 10 करोड़ लोग भी फ़ोनपे यूज़ करता है तो 3 महीने में 700 रुपये का रिचार्ज करता है। एवरेज मान लेते हैं 600-700 का, 700 रुपये का रिचार्ज 3 महीने में कर लेता है। तो इसका मतलब फ़ोनपे के पास कितना पैसा आता है बाबू, बता दो? 3 महीने में कितना आता है? 7000 करोड़ आता है। इसका कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 3%, नियम है 3%। तो 7000 करोड़ का 3% कितना होता है बाबू, बता दो थोड़ा? 210 करोड़। 3 महीना में अगर कोई 210 करोड़ कमा ले बिना हींग और बिना फिटकरी का, इससे बढ़िया बिजनेस हो सकता है क्या? तुम यहाँ छोटा गुमटी खोल के इंतज़ार करते रहो। और वो ऐसा तरीका लगाया कि कितना कमा लिया, प्लस बोलता है आप प्लेटफॉर्म चार्ज लेंगे 2 रुपये, मालूम है कि नहीं? तो 10 करोड़ आदमी 2 रुपये करके प्लेटफॉर्म चार्जेज अगर दिया तो 20 करोड़ इधर से भी लपेट लिया, कितना हो गया? ये कहानी सिर्फ हम फ़ोन का मतलब मोबाइल रिचार्ज का बता रहे हैं, जबकि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम वहाँ से भराता है, टैक्स सब कुछ वहीं से ना भराता है, बिजली बिल तो सबसे कमीशन कमाता होगा, अकेले मोबाइल से इतना कमीशन कमा रहा है, बताइए क्या इतना खर्चा होता है उसका? अच्छा, उसको स्टाफ रखना पड़ता है इसके लिए, 2 या 3, 5, 10 स्टाफ रखा, उसी में काम बन गया। बात समझ गए? अगर सेंटर खोलता, दुकान खोलता तो दुकान का रेंट पड़ता, वहाँ स्टाफ रखना पड़ता, महंगा पड़ता कि नहीं? ऐसा तरीका लगाया, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, ये क्या संभव था? अभी तो संभव लग रहा है कि अब हम नया ऐसे ही खोलेंगे, सेम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, संभव है देश के लोगों तक पहुंच पाना? बहुत टफ काम था, लेकिन रिस्क लिया कि नहीं? कि जो होगा देखा जाएगा, या तो उगेंगे या तो डूबेंगे। और एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क लेता है, और इसी रिस्क में अगर सक्सेस कर गया तो ये कमा रहा है, अब फेलियर कर गया तो बर्बाद भी हो जाता है। बात समझ गए? तो बताओ अंतर है दिमाग में या नहीं? सोच का अंतर है। बिजनेसमैन कहाँ सोच रहा है कि बस 1000 का रिचार्ज मार देंगे तो 30 रुपये अपना हो जाएगा, अरे कितना सोच लिया, ये बात ही नहीं करता रुपये में। बात समझ गए? ये बात करता है कि हम मार्केट कितना कैप्चर करेंगे। अच्छा, अमेजन बताओ, हम आप लोगों को पैसा मिलेगा ना, तो अभी भी राशन दुकानें खोलोगे? राशन दुकान, कपड़ा दुकान, ये सब खोलेगा जी? इसका मतलब तुम्हारा सोच क्या चीज़ का है? अभी भी बिजनेस में पैसा दे देंगे, पापा के जाओ धंधा करो, तो वही राशन दुकान वगैरह करेगा।
जबकि इंटरप्रेन्योर्स क्या किया, अमेजन, बोला हम ऐसा राशन दुकान खोलेंगे कि पूरा देश में सामान बिकेगा। अमेजन क्या कर रहा है, आप अगर उसमें ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं, दाल चावल ऑर्डर कर देते हैं, तो वो देता है कि नहीं देता आपको? कैसे दिया? अच्छा उसका पूंजी कितना लगा? कुछ नहीं, जैसे फ़ोनपे का कोई पूंजी नहीं लगा, बिना पूंजी कमा रहा है वो, एक बार खाली सॉफ्टवेयर बना लिया बस और कमाई कर रहा है। बात समझ गए? उसी तरह से अमेजन क्या कर रहा है जी बताओ, लोकल लेवल से ही, मान लो लोकल में जो होलसेलर उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तुम्हारे पास से सामान उठाएंगे और हजारीबाग ज़िला में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब भी आप ऑर्डर करते हैं उसे सामान उठाता है और हजारीबाग में बंटवाता है, 10% बचता होगा, मान ले 10% में उसका जो डिलीवरी बॉय होता है उसका भी तो खर्चा है, लेकिन अगर 2% बचेगा तो कम बचेगा। 2% अगर पूरे देश में बच गया तो पूरे देश में लोग कितना जनसंख्या है जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खाने का सामान खरीदते हैं, तो एक बार में सामान खरीदता है लोग 6,000, 7,000, 8,000 का। छोटे शहरों में नहीं, हम लोग तो झोला लेके निकल जाते हैं, बड़े शहरों में कोई झोला लेके नहीं निकलता, सब क्या करता है ऑनलाइन ऑर्डर मारता है। क्यों? क्योंकि फुर्सत किसके पास है? और तुम सोचोगे तुम जिस जगह पर रह रहे हो, ये गाँव है कि बगल में गली में कोई दुकान होगा? अब दिल्ली में रह रहे हो, ढूंढते रह जाओ दुकान, राशन दुकान किधर है? बहुत मुश्किल है, मालूम है कि नहीं? बड़े शहरों में आप जाओगे राशन दुकान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ छोटा शहर है, कहीं भी गुमटी खोल दिया, बिस्किट बेच रहा है। अब उधर छोड़ दो राशन दुकान, मार्केट में जाके ढूंढ के दिखा लो, मिलेगा? मार्केट में राशन दुकान नहीं रहेगा, बाकी दुकान मिलेगा, कपड़ा जूता सब, लेकिन खाने का दुकान नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। छोटा शहर नहीं ना कि कहीं गुमटी लगा दिया है, बड़ा शहर उठा के फेंक देता है गुमटी वाला, जो ही दुकान खोलेगा जिसका लाइसेंस होगा। तो बताओ मेन मार्केट में लाइसेंस लेके राशन दुकान कौन खोलेगा? वहाँ पे कपड़ा बिकेगा, जूता बिकेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकेगा, राशन तो नहीं बिकेगा। तो राशन कहाँ से आएगा? तो लोग पगलाएगा कौन, झोला लेके इधर उधर दौड़ते रहेगा, उससे अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर मारता है, घर पहुँच जाता है राशन। अच्छा इससे बिजनेस हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बताइए एंटरप्रेन्योर्स, अभी बताइए आप लोग को क्या बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन? एंटरप्रेन्योर्स ये बनिए। चाइना क्या करता है, किसको डेवलप करता है, बिजनेसमैन को कि एंटरप्रेन्योर्स को? एंटरप्रेन्योर्स को। अमेरिका किसको डेवलप किया, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को डेवलप ही नहीं कर रहा है। लोग बोलता है दुनिया जो है एंटरप्रेन्योर्स की है, वही दुनिया में राज करेगा जो नया सोचेगा, वही दुनिया में राज करेगा जो नया सोचेगा, जो नया सोच का व्यक्ति होगा वही। गूगल क्या है, बिजनेस कर रहा है या एंटरप्रेन्योर्स है? एंटरप्रेन्योर्स है, नया सोच रखा है। अभी देखो एक और चीज़ आ गया, AI, ChatGPT, नाम सुना है ChatGPT? ये क्या होता है जी, गूगल का पसीना उतरा हुआ इसके आने से, इतना इसके आने से गूगल का पसीना उतरा, गूगल बेचारा टेंशन में आ गया। क्या है AI? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ChatGPT देखो फ्यूचर इसी का है बाबू, फिर बता रहे हैं फ्यूचर इसी का है। और आने वाले समय में सोचो कि क्या एंटरप्रेन्योर्स का दिमाग है, क्या कर रहा है वो लोग, फ्यूचर इसी का है। जानते हो हम यहाँ नहीं हैं फिर भी पढ़ा सकते हैं, हम यहाँ अगर नहीं भी हैं कहीं भी हैं फिर भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम एक सिस्टम जनरेट करवाएंगे, हम अपना सारा मेरिट डिमेरिट चेहरा वगैरह सब गुण वगैरह सब जो मेरे अंदर लक्षण है सब एक मशीन में फिट करवा देंगे और मशीन प्योर सतीश कुमार दिखेगा। चेहरा तो दिखेगा ही, मेरा गुण भी, जैसे हंसते हैं बोलते हैं जैसे बात करते हैं सेम करेगा, तुमको पता ही चलेगा, एक आध दो महीना रह जाएगा तब भी नहीं पता चलेगा कि सतीश कुमार है कोई और है। हाँ टच करोगे तो रोबोट पता चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बात समझ गए? फीलिंग्स भी है, जैसे हम लोग हंसते हैं या किसी को सेम चीज़ रहेगा, जैसे हम यहाँ दिख रहे वैसे दिखेगा। सोचिए कि हम अगर यहाँ नहीं भी हैं और आराम से कहीं भी हम हैं दुनिया में और तुमको यहाँ पढ़ा रहा आदमी आके, मेरा नॉलेज मेरा लेक्चर सब कुछ वो उसके अंदर हम डालवा देंगे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर क्या होगा सोच लो, एक आदमी एक बार में 10-15 काम कर सकता है, समझ में आया? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 10-10 काम एक बार में कर सकता है। सोचो किसी का 10 बस है, क्या करेगा, 10ों में बैठा देगा। अब मशीन को कोई उपाय नहीं सर, आदमी को झपकी लग सकता है, मशीन नहीं, मशीन तुमसे ज़्यादा तेज है। ये जमाना आ रहा है, आने वाले समय में आपको भी AI का सामना करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अभी देखो ChatGPT के नाम से आया है कि अभी गूगल में सर्च करते हो तो क्या करता है, गूगल बहुत सारा ऑप्शन दे देता है,
ये एग्जैक्ट चीज़ बताता है। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन काम होना बाकी है। अच्छा, इसका फ़ायदा भी है तो घाटा भी है, लेकिन फिर बता रहे दुनिया में राज करेगा ये, जो लेके आएगा ना बहुत कमाएगा, बहुत कमाएगा। सोचो एक बिजनेसमैन चार अपना चार रूप बना दिया पैसा देके और दुकान में चारों को लगा दिया। अब आप सामान खरीदोगे तो लोग तौल के दे दिया, कितना मज़ा आ रहा है। कोई मारपीट करने आया है तो चार है, पता नहीं ओरिजिनल कौन वाला है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को समझना है, इसका मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है। डिमेरिट भी तो है, मेरिट और डिमेरिट वैसे सबका रहता है, लेकिन फिर भी ये मानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले समय में ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत सारा काम हो रहा है सर, मतलब ऐसा काम हो जाएगा ना, अभी जैसे आप गूगल में सर्च करते हो कुछ भी कि सर व्हाट इज मैनेजमेंट, तो गूगल बहुत सारा देता है, फिर हमको छांटना पड़ता है कि दोनों में सब में सबसे बेस्ट कौन सा है। आने वाले समय में बोलोगे सेम आंसर आएगा, बोलोगे और एग्जैक्ट एक ही सिंगल आंसर आएगा और वही सही रहेगा। ये चैट जीपीटी आप लोग सुने भी होंगे इसका नाम। ये सब एंटरप्रेन्योर्स है, ये सब बिजनेसमैन नहीं है, ये नया सोच का व्यक्ति है और नया सोच रखता है। कैसे हम नए सोच को डेवलप करेंगे, बात समझ गए। तो कौन सी दुनिया में आपको हम लेके चल रहे हैं, पहला अभी क्लास नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन ही क्लास था, अभी कुछ भी नहीं इसलिए बोर्ड में वाइट था। कौन सी दुनिया में हम लोग इंटर किए ये समझ में आ रहा है, तो ये अलग दुनिया है। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, पुराने सोच का बिजनेसमैन बनाया जाएगा या कुछ नया सोच सिखाया जाएगा। नया सोच सिखाया जाएगा कि कैसे हम नए तरीके से किसी काम को नए तरीके से कैसे करते हैं। पहले ट्यूशन सेंटर पढ़ाना ऑफलाइन में अलग बात था, आज कुछ टीचर ऐसे हैं जो इनिशिएटिव लिए, एंटरप्रेन्योर्स बने और देश में छा गए। आज ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, बात समझ गए। आने वाले समय में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना जब आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं, एक टीचर फिजिकली 5 जगह पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। ये ज़माना है, तो ये समय बदल रहा है। और समय कौन बदल रहा है, ये जो बनाया होगा अपने आप बन गया कि कोई बना रहा है। आप लोग एलन मस्क का सुने नाम, अपनी कंपनी छोड़ दिया, टेस्ला के ऊपर काम कर रहा है। टेस्ला से पहले क्या था उसका कंपनी, टेस्ला से पहले क्या था। अच्छा, अमेजन का मालिक कौन था, अमेजन का मालिक कौन है, बिल गेट्स। क्या नाम था, जे बेजोस, हाँ ठीक है, जॉन बेजोस। अब बताइए, वो छोड़ दिया अमेजन को, इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करके कोई छोड़ देता है क्या, वो छोड़ दिया और किस पर काम कर रहा है, वो सेटेलाइट पर काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है, छोड़ दिया कंपनी को, बोला अब कंपनी तुम लोग संभालो, हम शुरुआत करके सब कुछ एस्टेब्लिश कर दिए कंपनी को, अब छोड़ दिया, अब तुम लोग संभालो, अब हम काम करें। वो काम कर रहा है फ्यूचर के ऊपर, जो वो बिजनेसमैन नहीं, वो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है। वो सेटेलाइट भेजने पर काम करेगा, हम सेटेलाइट भेजेंगे ऊपर, आदमी भेजेंगे ऊपर। अच्छा, क्यों इतना पहले क्यों कर रहा है ऐसा काम, आदमी भेजेंगे ऊपर, पागल टाइप का काम है कि नहीं। वो ऐसा मशीन बना रहा है बाबू, जिसको गाड़ी समझता हूँ, गाड़ी गाड़ी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी भेजता है कि नहीं, वैसे ही वो मशीन बना रहा है कि यहाँ से आदमी को चांद पर भेज देना है या यहाँ से आदमी को मंगल ग्रह में भेज देना है, वैसा मशीन तैयार कर रहा है। गाड़ी समझो, यहाँ उड़ाएगा, मिसाइल में बैठा के मंगल ग्रह में उतार देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि धरती में जब स्थिति खराब होगी, यहाँ पे अभी ओजोन लेयर का हाल क्या है, हम लोग इतनी बीमारियों का शिकार हुए, तो जब धरती का माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा आने वाले 3 साल में, 20 से 30 साल या 40 साल में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलेगी, तब क्या ऑप्शन हो सकता है, तब आप कहाँ भागोगे जी। अच्छा, कोविड जैसा महामारी या वायरस अटैक हो जाएगा तो कहाँ भागोगे, तो गरीब आदमी तो ऐसे में मर जाएगा, लेकिन अमीर आदमी कहाँ भाग सकता है, मंगल ग्रह में घुस जाएगा, जाओ पृथ्वी में रहेंगे ही नहीं, तो जब पृथ्वी में नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, मंगल ग्रह में लेके चलेंगे। तो वो वहाँ ढूंढा जीवन, कि वहाँ जीवन है, लोग रहते हैं, वहाँ उतार देगा आदमी को, जाओ वहीं रहो, बात समझ में आया। अरे समझ आ रहा है, समझना पड़ेगा थोड़ा प्रेशर देके, क्योंकि जो लोग सोचता है पागल जैसा सोचता है। बताइए, जब पहली बार सोचा होगा हम फोन पे नाम की कंपनी कराएंगे, ऐसा काम करेंगे मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, सब हंसेगा बगल वाला, नहीं इसके सोच में सब लोग क्या करता है, हंसता है कि पगला गया क्या तू, और ये मोबाइल से पैसा भेजेगा।
अच्छा, जब पहली बार कोई मोबाइल बनाया होगा तो क्या सोचा होगा सब लोग, जिसको बताया होगा, मान लो हम कॉन्सेप्ट लाए कि हम मोबाइल बनाएंगे, ऐसा इक्विपमेंट बनाएंगे कि यहाँ से फ़ोन करेंगे तो मुंबई वाले को सुनाई देगा, तो आसपास वाला शाबाशी दिया होगा मीना ना, तू जरूर करेगा ऐसा, मतलब पगला गया का जी, यहाँ बोलेंगे और वहाँ सुनाई देगा, बड़ा अजीब तुम बात बोल रहा है, यहाँ बोल के देखो तो आधा किलोमीटर दूर नहीं सुनाई देता है, अभी बोलेगा और सुनाई देगा, ऐसा कौन मशीन लगा देगा तुम उसमें, बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा, लेकिन सक्सेस किया ना, जिद्दी था, बोला बना देंगे तो बना देंगे, आज बना दिया ना, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो वो फ्यूचर के लिए सोच रहा है, यानी आज से 40 साल बाद क्या होगा वो सोच रहा है, इज़राइल देखो सोच रहा है, वहाँ पे इंटरप्रेन्योर ज़्यादा होते हैं, इज़राइल एक ऐसा मशीन बनाया कि समुद्र में नाव है, वो जितना नाव चलाओगे उतना तुमको तुम्हारा पानी जो फिल्टर करके देगा, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं ना, वो नाव बना दिया, नाव को चलाओ और जितना चलाओगे उतना पानी तुम्हारा समुद्र का ही पानी यूज करके उसको फिल्टर करके अब पीने लायक बना देगा, ऐसा मशीन बना रहा है, यानी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाला फिल्टर मशीन बना दिया वो। अच्छा क्यों बना रहा है ये सब, नहीं लगता है पागल उगल का काम है, समुद्र का पानी फिल्टर करना करने का काम पागल का काम है ना, क्यों बना रहा होगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि धरती पर पीने का पानी कितना परसेंट है बाबू लोग, 1% पीने का पानी, वो भी पानी का लेयर नीचे चला जा रहा है, तो जब नीचे चला जा रहा है पानी का लेयर, तो पानी एक लेयर में होता है उसके बाद नहीं होता है, मालूम है कि नहीं, तो जब इस धरती पर पानी का क्राइसिस होगा, तबाही मचेगी, तो लोग पानी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, तो क्या करेंगे लोग, जिस हिसाब से पानी बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले समय में जब पानी का शॉर्टेज होगा 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तो लोग पानी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, पानी तो समुद्र में खूब रहेगा लेकिन पी नहीं पाएगा, क्योंकि पिएगा तो मरेगा और नहीं पिएगा तो मरेगा, समस्या उसके साथ है, उस समय क्या होगा, उस समय मेरा मशीन बिकेगा कि नहीं बिकेगा, रगड़ देंगे, क्योंकि अकेले हम रहेंगे, दूसरी कोई कंपनी नहीं रहेगी, 20,000 का मशीन हम 50,000 में बेच देंगे दुनिया को, सोचो कहाँ काम कर रहा है, हम और आप बैठे हुए इधर पबजी में, और हम और आप बिजी हैं गोतिया से लड़ने में, अब वो उसका बिजनेसमैन कहाँ सोच रहा है, समझ में आ रहा है, उसका सोच देखो कि क्या सोच रहा है वो, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स, नया थिंकिंग, मॉडर्न सोचो, रिस्क लो और फ्यूचर को देखो, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है, उसको लेके आओ, उस तरह का बिजनेस मॉडल लेके आओ। आज जो हम लोग इतना सारा एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कोई तो इसको बनाया होगा ना, तो सोचा होगा ना कि ये समस्या आती होगी, सोचिए, मोबाइल जब खरीदाया तो लोगों को लगा ये एंटरप्रेन्योर्स को, यार मोबाइल रखता है ये लोग ना तो बोर फील करता है, अकेले किनारे बैठ गया तो बोर फील करता है, तो ऐसा करो गाने का सॉफ्टवेयर लेके आ जाओ, अब गाना का सॉफ्टवेयर लेके आए कि नहीं आए, पहले फ्री में आपको आनंद दे दिया, उसके बाद अब चार्ज लगेगा, पैसा दो और गाना सुनो, बात समझ गए, जियो क्या है, बिजनेसमैन है कि एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो सिर्फ आपको शुरू में फ्री दे दिया, अच्छा जियो अगर फ्री नहीं देता तो इतना ज़्यादा जियो बिकता भी नहीं, क्योंकि जब हमको मज़ा ही नहीं कि किसी चीज़ को खाने में क्या है तो हम खरीदेंगे क्या, लेकिन वो सबसे पहले मज़ा दे दिया कि देखो क्या है ये, जब लोगों को मज़ा आया कि 4G का स्पीड ये होता है, बिना बफरिंग का वीडियो चल रहा है, कुछ भी देख रहे हैं, मज़ा आ गया, एक बार आदत लगा दिया, अब तुम क्या बर्दाश्त कर सकते हो रिचार्ज नहीं कराना, एक दिन बर्दाश्त करेगा, दूसरा दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरा दिन बर्दाश्त करेगा, चौथा दिन जाके दुकान में बोलेगा भैया कर दो, अब बर्दाश्त नहीं होगा, कर दो जो होगा देखा जाएगा, करते हो कि नहीं करते हो, क्यों भैया, आदत लगा दिया, तो जानता है कि भारतीयों से कैसे निपटना है, भारत के लोग क्या सोचते हैं, ये लोग फ्री वाले हैं, फ्री दो आदत लगाओ देन अपना बिजनेस करो, ये है एंटरप्रेन्योर्स, नया सोच का बिजनेसमैन, आपको ये सब चीज़ मिलेगा, तो जो आप अभी देख रहे हैं ना ये सब लोग कौन हैं, सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन आपके पास नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन पुराने सोच का होता है और एंटरप्रेन्योर्स नए सोच का होता है, तो पूरा हम कहानी इसलिए समझा रहे हैं ना तो ताकि आपका बेस हो सके स्ट्रॉन्ग, आप ये समझ पाओ कि ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत क्या है, ये बुक हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस क्या बनना चाहते हैं हम ये पढ़ के, तो ये पढ़ के आप बिजनेसमैन बनोगे या एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, एंटरप्रेन्योर्स मतलब आपको नया, अब सवाल है कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हम बनना तो चाहते हैं, बहुत बच्चा बोलेगा हम बनना चाहते हैं सर, हम भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा खोपड़ी लगाना चाहते हैं, तो सर उसके लिए पढ़ना होगा प्लस ट्रेनिंग लेना होगा, पढ़ना होगा प्लस ट्रेनिंग लेना होगा, अपने माइंड को डेवलप करना होगा, दिमाग को ठीक करना होगा, एक स्टूडेंट हमारा 12th में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा दिमाग लगा और अभी कर भी रहा है धंधा, वो बोला सर जितना स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है ना, जितना स्टूडेंट पढ़ता है
सारा स्टूडेंट परेशान होता है, राशन लाना है, ये लाना है, वो लाना है, इधर से ट्यूशन से जाता है तो प्लास्टिक टांग के जा रहा है। हम एक अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन को सब बच्चा लोगों को इंस्टॉल करवाएंगे। अब बोलेंगे जो तुम ऑर्डर करोगे वो तुमको मार्केट से भी सस्ते में देंगे और घर पहुंचा देंगे। बात समझ में? अब ये नहीं कि 2 रुपये का चॉकलेट खाने का मन है कि लाओ जी टॉफ़ी लाओ 2 रुपये का, मतलब कुछ ऑर्डर होना चाहिए। बोले मिनिमम ऑर्डर कम से कम 200 रुपये का रखेंगे, 200 रुपये का ऑर्डर दे दो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, वो भी फ्रेश चीज़ पहुंचाएंगे। जैसे सब्ज़ी ख़रीदना रहता है, अब बच्चा को सब्ज़ी फ्रेश चाहिए तो फ्रेश सब्ज़ी हम दे देंगे आपको। बात समझ में? और ये स्टूडेंट के साथ भी करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों के साथ भी करेंगे, और चला रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बोला सर 3 अपार्टमेंट पकड़ लिए और 3 अपार्टमेंट मेरा धंधा ठीक चल रहा है, अब उसके तो फुर्सतें नहीं मिल रहा हमको। अब एक और आदमी रखेंगे तब एक और गाड़ी खरीदेंगे तब संभव होगा, क्योंकि हम चाहते हैं जिसको हम दिए हैं उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, उसको बेस्ट क्वालिटी का सामान दे। देखो क्या मॉडल है उसका, देखो। और हम और आप नहीं सोच रहे हैं यहीं हजारीबाग में रह के टाइम पास करें, गांधी मैदान और निर्मल महतो पार्क में जाके, ठीक है? अनवांटेड चीज़ में पैसा दिमाग लगा रहे हैं। देखो इधर बोलता है सर 3 अपार्टमेंट पकड़े, मान लो तो 2 अपार्टमेंट पकड़ा, 1 अपार्टमेंट में 20 फ्लैट है, इसका मतलब 20 इंटू कितना हो गया 40 फ्लैट। अच्छा जनरली राशन घर में कितना यूज़ होता होगा महीने का, फ्लैट में रहने वाले, गांव का नहीं, गांव में कम होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है लोग। जो फ्लैट में रह रहा है वो ठीक आदमी होगा, पैसे के रूप में मजबूत होगा, कम से कम अगर देखा जाए 10,000 से कम का राशन ही लोग नहीं यूज़ करता। तो बताओ 10,000 × 4 जिस कहते हैं तो 4 लाख का धंधा हर महीना यूज़ हो रहा है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? 4 लाख का। अच्छा मार्जिन कितना होता है? 10% लगभग मार्जिन हो ही जाता है राशन में। कितना परसेंट मार्जिन होता है? 10%। जैसे 10 रुपये का सामान बेचेगा तो 1 रुपये कमा लेगा, यही ना 10%। इसका मतलब इसका 10% अगर मार्जिन है तो 10% कितना होगा? 40,000 रुपये कमाएगा, हाँ या नहीं? अच्छा 2 अपार्टमेंट में अपने पहुँचा सकते हैं सामान, खुद पहुँचाएगा, 40,000 रुपये आराम से कमा लिया। अगर ये 2 अपार्टमेंट इसका 20 हो जाएगा तब क्या होगा देखना, इनकम 20 हो जाएगा, 3 स्टाफ रखेगा या 2 स्टाफ रखेगा, दोनों स्टाफ को बोलेगा 200 अपार्टमेंट में सप्लाई करो, रोज़ थोड़ी सप्लाई करना एक जगह, हाँ या नहीं? तो बताओ 20 अपार्टमेंट × 20 कितना आ जाता है? 400। 10,000 करेंगे इतना आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा ना जी, तो इसका कितना आ जाएगा? 4 लाख का धंधा महीने का होगा, 2 स्टाफ रखेंगे, 10-10 हज़ार देंगे या 20-20 हज़ार देंगे, 20 हज़ार बहुत हो गया, डिलीवरी बॉय को 10 हज़ार मिलता है, पहले 20 हज़ार दे देंगे डीजल उजल पेट्रोल वेट्रोल लेके, 20 और 20 40 हज़ार देंगे खर्चा करेंगे तो मेरा कितना बचेगा? ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर हम अपार्टमेंट बढ़ाने लगे तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नौकरी करके कमा लोगे? अच्छा अपार्टमेंट वाले को भी पसंद आया, क्या पसंद आया बताओ? अपार्टमेंट वाला आखिर क्यों देगा इसको ऑर्डर? पहला फ्रेश, हाँ फ्रेश सब्ज़ी मिल रहा है, दूसरा रेट भी ठीक मिल रहा है, रेट भी ज़्यादा नहीं लेना है, जो रेट मार्केट में आप जाइएगा खुद दुकान तो अगर 23 रुपये मिल रहा था हम भी आपसे 23 लेंगे, हम कहाँ कमाएंगे? तो भैया वो 23 रुपये में बेच के वो कमा रहा होगा दुकानदार, तो वही वाला इनकम हम कमा लेंगे। बात समझ गए? कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, समझ में आया जी? अच्छा लोग क्यों खरीदेंगे? लोग इसलिए खरीदेंगे क्योंकि ध्यान देना, जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं जनरली नौकरी पैसा वाले ले, तो नौकरी वाला ऐसे बिजी और पैसा वाला मतलब बिजनेस वाला ऐसे बिजी, तो कोई वहाँ फुर्सत में नहीं है। अब उनकी पत्नी छोटा बच्चा छोड़ के तो मार्केट नहीं जाएगी, बहुत परेशानी है, मार्केट गए भी है तो दोनों में झोला में हाथ में टंगा है झोला, तो बच्चा किधर उठाएगा? अब ख़राब लगता है कि नहीं, झोला टांग के कितना बुरा लगता है लोग को, तो बुरा लगता है तो उस बुरा का हम सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या ज़रूरत है आपको उठाने का, हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं, आपके घर तक पहुँचा देंगे, बस पैसा। अच्छा इसमें उधार बिजनेस चलता है क्या? राशन दुकान खोलोगे तो उधार चलेगा, उधार चलेगा राशन दुकान में? किधर है, तुम्हारे बगल में तो रहते हैं, लेकिन पैसा भाग जाएंगे जी, घर देख रहा है तुम तो चुप रहना होगा। और गाँव में तो अलगे फुटानी है, गांव में उधार खा लेगा 40,000 का, उसका तो बोलता है तुम अब बोलने जाओगे भैया उधार था, वो तो तुम्हारा पैसा लेके भाग रहे हैं, उधार था मतलब, ऐसा बोलने का पर्पज़ क्या भाई? तुम्हारा पैसा लेके नहीं भागेंगे, पैसा दे के जाएंगे, और नहीं देगा फिर उधार खाते रहेगा, बहुत दिक्कत है गाँव में पैसा वसूलना। यहाँ क्या उधार बिजनेस चलेगा? यहाँ सारा बिजनेस कैश होगा, सामान दीजिए एक हाथ से और एक हाथ से पैसा लीजिए, बताइए कमाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कौन ये सोच सकता है? हम लोग तो ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं, कभी सोचे नहीं, क्योंकि हम लोग किस टाइप के आदमी हैं,
हाँ, हम लोग को लगता है कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? एंटरप्रेन्योर्स होता है। अब समझ में आया? सोच समझे, ये बिजनेसमैन अगर होता ना तो राशन दुकान खोलता और एक दुकान में बहुत ज़्यादा कितना कमाता है जी, एक राशन दुकानदार कितना कमाता है? कमा लेगा 360,000, सवाल ही नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो दुकान खोल दिया और बैठा हुआ है कि लोग आएगा, कितना कस्टमर आएगा? मोहल्ले वाला ना आएगा जी। अब मोहल्ले में कहीं 3 दुकान हो गया तो गया, तुम दुकान खोल के इंतज़ार कर रहे हो, ये बोलता है हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम आपके घर पहुँच जाएंगे। इंतज़ार क्या करना जी, आप कहीं रहते हैं ना, जब हम घर पहुँच जाएंगे और धीरे धीरे ये फैमिली को बढ़ाते जाएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करते जाएगा, क्वालिटी बेस्ट रखेगा, अपना एम्प्लॉई को एम्प्लॉई आईडी दे देगा और तरीके से बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएगा। तो एक समय आएगा जब पूरा लगभग अपार्टमेंट का जो फैमिली मेम्बर है इसी से कॉन्टेक्ट करेगा और ये अपना धंधा कर देगा। बात समझ गए? हाँ या नहीं? बहुत सारा काम है सर, नया सोच रखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते एंटरप्रेन्योरशिप लिया था, 12th में बुद्धि लगाया और अभी आराम से बिजनेस चला रहा है। इतना नहीं कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है, क्योंकि वो अभी 2 ही 3 पर सीमित है। ठीक है, वो बोला सर थोड़ा सा धीरे धीरे हम अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस दिन हम अपना क्वालिटी इम्प्रूव कर दिए और स्टाफ को ट्रेंड कर दिए, मेरा स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए ना, क्योंकि बड़े फैमिली के साथ बातचीत करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना होगा, अच्छे से बात करे, अच्छे से बिहेव करे, अगर मिसबिहेव करेगा तो गलत जीत है। इसलिए हम अभी अपने जा रहे हैं लेकिन साथ में स्टाफ रखते हैं, उसको सिखाते हैं, देखो हम कैसे बात करते हैं। बात समझ गए? बात करने का तरीका है, कैसे किसी से बात करना है, गार्ड से कैसे बात करना है, किसी अपार्टमेंट में जाने से पहले परमिशन कहाँ पे लेना है, सब कुछ उसको सिखा रहा है और सब सिखा देगा सिस्टम से, उसके बाद उसको भेजना शुरू करेगा और ये अपना आराम से एक जगह पे बैठ जाएगा। बात समझ गए? तो बताइए, दुनिया पर राज आने वाले समय में कौन करेगा बाबू लोग? बिजनेसमैन के एंटरप्रेन्योर्स। कोई दिक्कत है? यही अंतर एक लास्ट बता देते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना वो बिजनेसमैन है, टाटा बिजनेसमैन है। कितने साल से धंधा कर रहा है? मान लो 70 साल से धंधा कर रहा है, 70 साल से कितना कमाया बताओ? दुनिया का अमीर आदमी बन पाया कभी? एशिया का अमीर आदमी बना तो बहुत बड़ा घमंड है उसको। और बताओ दुनिया का अमीर आदमी भी कौन है? कौन है? मान लो 3 ही 4 लोग है, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए अमेजन वाले का ही नाम ले लेते हैं, जेफ बेजोस। कितना दिन धंधा किया अमेजन का? 2 साल, 22 साल, केवल 22 साल बिजनेस किया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। 70 साल में एशिया का अमीर आदमी और 22 साल में दुनिया का अमीर आदमी। बताइए ठीक है, कौन किस में? बिजनेसमैन में या एंटरप्रेन्योर्स में? टेस्ला, ये भी कंपनी रुपया पैसा में ये भी माहिर है। ये सब लोग जो अभी दुनिया का 1 से लेकर 10 तक देख लेना अमीर आदमी, सब एंटरप्रेन्योर्स मिलेगा, बिजनेसमैन। अभी लोगों को भगा रहा है कि भागो तुम्हारा जमाना खत्म हो गया, अब सब कौन राज करेगा? एंटरप्रेन्योर्स, नया सोच का बंदा जो है वो दुनिया में। अभी देखो देश में अमीर आदमी में से आप देख लेना 20 का लिस्ट उठा के, तो वही लोग मिलेगा जो एंटरप्रेन्योर्स है, नया सोच का बिजनेसमैन है, वही यहाँ राज कर रहा है। तो याद रखना है कि जो व्यक्ति नए सोच का होगा, नए तरीके से धंधा करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। और जो पुराने सोच से बिजनेस करेगा उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। और दुनिया में राज कौन करने वाला है? एंटरप्रेन्योर्स। कोई दिक्कत है? तो अगले क्लास में हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे नोट्स को लिखते चले जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें आपको बताया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम मानेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या पावर है।